चैत्र माह की संक्रांति के साथ ही पंजाब के सबसे बड़े शीतला मंदिर सर्कुलर रोड में मेले की शुरुआत हो गई है। कहते हैं कि स्किन संबंधी समस्या, खासकर चिकन पॉक्स होने पर बुजुर्ग व संत महात्मा इस ऐतिहासिक मंदिर में जाकर धार्मिक रस्मों की पूजा करने की सलाह देते हैं। छोटे बच्चों को चिकन पॉक्स होने पर 3 व बड़ों को होने पर 5 दिन बाद इस माह में आकर धार्मिक रस्में पूरी करने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि रस्में पूरी करने के कुछ समय बाद ही त्वचा साफ हो जाती है और व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। प्राचीन शीतला माता मंदिर के विच मेला चेत महीने च लगता है और इतने सारे संत आ के अपनी परिवार की सुख शांति ने भगवती माता इस मंदिर के चढ़ा के भोग प्रसाद चढ़ा के अरदासा करते हैं और बहुत ही पुराना काफ़ी वर्षा सर किन्नी तारीख तो स्टार्ट होकर किन्नी तारीख तक चलेगा? ये जी 14 मार्च संक्रांत को है और 13 अप्रैल को तक चल गल करें सर कि कोरोना महामारी दे चल रहा हैगा, सरकार वालों जो दिता है उस पालन से पूरी पालन कर रहे हो तो सरकार वालों तुम्हें पूरी सपोर्ट मिल रही है? हाँ जी, अभी भी इतने जोड़े भी पत्रकार आते हैं वो पूरा मास्क पा के सैनिटाइजर होके मंत्री अंदर दाखिल होते हैं और पूरे ऑपरेट सारी नहीं चलता और पार्टी चाल है, पुलिस प्रशासन और पंजाब सरकार भी बहुत काफ़ी है। महाराणी दरबार प्राचीन शीतला माता मंदिर के अंदर इतने श्रद्धालु महाराणी दरबार के उत्ते आ के चक्की अस्सी चढ़ाते हैं और परिवार के वास्ते कुछ धार्मिक मंदिर जिहड़े ये महामारी फैलती है जिस तरह कईयों भगवती माता का प्रकाश होता है खसरा और कई तरह बीमारियां वो भगवती महाराणी ने ये सारे कष्ट दूर करते हैं, इस करके अपने परिवार के सुख शांति वास्ते इतने आके एक महीना महाराणी चढ़ाते हैं और मंगलवार को आके भगवती माता का बासी रोटी चढ़ा के बाहिड़ा। आप भी किसी स्किन संबंधी रोग से जूझ रहे हैं तो शीतला माता के दरबार जरूर जाएं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।